जनपद सहारनपुर की नगर पंचायत समाजवादी प्रत्याशी तैमूर खान के सभासद आदिब खान वार्ड नंबर 11 से कर्मठ ईमानदार एवं महंती उम्मीदवार प्रत्याशी बनकर उभरे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने अपने वार्ड 11 के समस्त सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध करते हुए कहा कि मैं आप लोगों की सेवा में 24 घंटे खड़ा हूं और इस वक्त मुझे आपके प्यार की और आशीर्वाद की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी से चेयरमैन प्रत्याशी तैमूर खान के सभासद के रूप में मुझे वार्ड 11 से चुना गया है, इसलिए मैं पूर्ण अपने सम्मानित मतदाताओं से अपील करता हूं कि आगामी 4 तारीख को साइकिल के निशान पर मोहर लगाकर मुझे अपना आशीर्वाद दें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके आशीर्वाद पर 100% खरा उतरूंगा और अपने वार्ड का विकास कराना ही मेरा सर्वप्रथम लक्ष्य होगा। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा प्यार मिल रहा जनता का और मैं समाजवादी से कैंडिडेट हूँ इस वार्ड से और बहुत ही अच्छा मुझे सबके साथ सलूक करने का मौका भी मिला है और जो मैंने कार्य किए पीछे 5 साल में मतलब मेहनत करी इस यहाँ तक के पहुँचने के वास्ते उसके बेस पे भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा। नहीं आपने क्या वादे करे इनसे, क्या आप कर पाएंगे इस वार्ड के लिए? वादे तो है, मैंने वादे बहुत किए और उस्मान भाई सबसे बेहतर बात यह है कि मैंने करके दिखाया पहले और उसी के बेस पे मैं इसमें आया, जो मैंने कार्य किए मैंने उसी बेस पे आज जनता के बीच में आया कि जनता ये बिना कह सके कि नहीं तुमने किस बेस पे आए आप, उन्हें पता जनता को कि किस बेस पे आए हैं मैदान में। वार्ड नंबर 11 में क्या कमियां हैं, जो विकास कार्य नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी, तो आप कैसे करेंगे? हम हर चंद कोशिश करेंगे उन्हें कराने की और दिलो जान से मेहनत करेंगे कि वार्ड का कोई भी आदमी मायूस ना हो वोट देने के बाद। अच्छा तो आप जैसे वर्करी कर रहे हैं जी, सामने भी आपके दूसरे प्रतिद्वंदी हैं जी जी, वो भी अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं जी, आप भी कर रहे हैं, तो आप कितने मजबूत हैं अपनी जगह? देखो इंशाल्लाह जीत में तो यह है कि हम 100% में जीत की तरफ हैं और बाकी जो मेरे सामने और भी कैंडिडेट हैं मैं उनसे भी थारे चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा मैं किस बेस पर आए, मैं किस बेस पे पर्चा भरा, किस बेस पे पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, मैं तो उन पार्टी से भी पूछना चाहूँगा कि किस बेस पे कैंडिडेट उतार दिया अपने। वो तो कह रहे हैं कि यदि तो वर्करी भी करने आ रहा, ये तो सबसे अच्छी बात है कि मैं वर्करी नहीं करने जा रहा और फिर जनता का प्यार मिल रहा। मेरे कुछ कार्य तो ऐसे होंगे जिस बेस पे मुझे घर बैठ के बहुत आसानी से प्यार मिल रहा सबका, जिनको जिन्होंने कुछ किया नहीं आज तक के फिरेंगे। अच्छा वार्ड नंबर 11 में आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं जी जी, क्या कमी महसूस दे रही है आपको जो पहले पंचायत में नहीं हो पाई? नहीं ऐसा है, जो वार्ड 11 से सभासद हैं पूर्व तैमूर भाई चेयरमैन साहब, देखो मैं एक बड़े लेवल के हैं, देखो ऐसा नहीं है कि मैं तो पूरे कस्बे के जिम्मेदार आदमी हैं, मैं ये चाहूँ कि वह मानने की बात मेरी नज़र में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो उन्हें कमी कह सके कि इनके अंदर फला कमी है। तो इसका मतलब विकास कार्य उसमें हुआ है? विकास कार्य पूरा हुआ, कुछ लोग हैं जो बहकावे में आके कुछ कहते हैं 1%, 99 सब उनके साथ रहेंगे और 99% उनके साथ हैं। तैमूर भाई हमारे चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो उनके बारे में तो यह है उनका रिकॉर्ड तो मैं ये कहूँ कि कस्बा ही नहीं कहीं भी पूछ लियो आप, उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा हमेशा, बहुत अच्छा रहा और पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, उन्हें भी आप जनता कस्बे के अंदर ये नहीं पूछ सकती कि आप किस बेस पर, क्योंकि उन्होंने भी पिछले 5 साल में अपनी मेहनत करके और कस्बे वासियों को खुश करके वो आज इस मुकाम पर अट गए, वरना समाजवादी पार्टी किसी और को भी टिकट दे सकी थी, क्योंकि उनके बेस पर उनकी मजबूती देख के और उनके कार्य देख के और उनके हिम्मत और लगन देख के और उनका जनता के बीच में उनका प्यार देख के जब ही तो उन्हें टिकट के दावेदारी मिले। अच्छा मनोज जी बनाए थे उन्होंने, तैमूर ने गठबंधन से बनाए, ठीक है जी जी, तो कहीं कहीं कुछ कड़वाहट आ रही है कि मनोज ने कहीं सही काम नहीं करे, ये बात तो तैमूर भाई भी करें? नहीं देखो एक बात है, सत्ता का देखो पार्टी स्टेट लेवल पे जो है दूसरी पार्टी है और कैंडिडेट जीत के जो हो गया वो दूसरी पार्टी है, देखो कहीं ना कहीं विकास कार्य में कमी तो आती है, ऐसा नहीं है कि कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तीतरों के मैं कार्य तुम्हें गिनवा सकूं जो आप चाहो तो भाई, मानने की बात ये शमशान घाट के सामने की सड़क बनी बहुत कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, इसे आप देख सको कितना बड़ा करोड़ों रुपये का प्रोजेक्ट था, क्या मनोज चेयरमैन की कोशिश और उसके जिम्मेदार जो लोग तैमूर भाई हैं चौधरी साहब हैं उन्होंने भी जो है
मतलब जो है हिम्मत करी होगी और कोशिश की होगी, जब भी तो कार्य ला पाए। अच्छा, पूरे कस्बे में हर तरह की जाति के लोग हैं। जी जी, सभी कास्ट के लोग हैं। जी जी, आपका क्या मानना है कि सब का प्यार मिल रहा है आपको? जी जी, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा भाई। तीतरों के अंदर एक चेयरमैन तहमूर भाई ऐसे हैं जिन्हें हर बिरादरी का और हर धर्म का सपोर्ट है, वरना और कोई कैंडिडेट मेरी नज़र में ऐसा नहीं है कि जिसे हर धर्म का हो। चलो, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को वार्ड नंबर 11 के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? आपका निशान क्या है? मेरा निशान है साइकिल, और हमारे चेयरमैन साहब का भी निशान साइकिल है। और यही मेरी अपील है जनता से कि एक दफ़ा मौका दें, और उसके बाद शिकायत का मौका इंशाल्लाह मिलने का नहीं होना है। और हमारे हर वार्ड पे जो है साइकिल के चुनाव चिन्ह से उम्मीदवार है, हर वार्ड पे 11 के 11 वार्ड पे। एक हमारी पार्टी ऐसी है जिसके 11 के 11 वार्ड पे है, वरना और पार्टियां ऐसी भी हैं जिनके वार्डों पे कैंडिडेट भी नहीं है। 4 तारीख को चुनाव होने, हर आदमी यह ना सोचे कि मानने के बाद कैंडिडेट जो है अपनी लगन से वोट करें हर आदमी, और समाजवादी को वोट करें, और इंशाल्लाह निराश का कोई मौका नहीं आने देने का। मेरी जनता से अपील है कि आने वाली 4 तारीख को तैमूर भाई और 11 के 11 वार्डों पे जो भी समाजवादी के कैंडिडेट खड़े हैं उन्हें भारी मतों से विजय बनाएं। इसमें तैमूर भाई की और 11 के 11 मेंबरों की कामयाबी, वो आप सबकी अपनी कामयाबी होगी। 4 तारीख को तैमूर खान को साइकिल के निशान पर मोर लगाएं। भाई अदीब को भी अपील है, जिताएं।